उत्तर प्रदेश के ललितपुर से खबर सामने आ रही है, जल जीवन मिशन की धीमी गति देख भड़के डीएम। बता दें उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कचनौदा ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण कार्य में धीमी गति देखकर डीएम भड़क गए। उन्होंने कहा है कि परियोजना का काम मार्च 2023 में पूरा करना है और अभी भी 26% काम शेष है। श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर योजना को 2.5 माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गर्मी में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सके। डीएम आलोक सिंह ने रविवार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना अंतर्गत कचनौदा ग्राम समूह पेयजल योजना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए विभागीय अभियंता से कहा कि हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना शासन के प्राथमिकताओं में से एक है। सहायक अभियंता अरुण कुमार बौद्ध ने बताया कि कचनौदा ग्राम समूह पेयजल योजना का कार्य 174.22 करोड़ से दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था, जो अब मार्च 2023 तक पूरा होगा। योजना में 26% कार्य शेष है, जो निश्चित समयावधि में पूरा करा लिया जाएगा। इस योजना में 62 ग्रामों को शामिल किया गया है, जिसमें 25,513 घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इस मौके में एजीएम गायत्री प्राइवेट लिमिटेड, साई राम प्रसाद, अनुवृत्त मंडल, जेई जल निगम, अजय कुमार आदि मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।